जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्र अगर अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों को पीछे छोड़ते हुए और पश्चिमी देशों समेत अमेरिका के दावों को ठोकर मारते हुए भारत ने आज एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया और भारत का ये सुपर पावर का दर्जा इस बात का भी सबूत है कि भारत आज की तारीख में दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा है। और जहां मौजूदा समय में जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देशों की भी काफी ज्यादा हालत खराब हुई पड़ी है, तो वहां पे भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल बन गया। और यही कारण है दोस्तों, भारत के विरोधी देश भारत से जले भुने हुए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, विरोधियों को चौंकाने की बात तो ये भी है कि टॉप 10 मोस्ट ग्रोइंग कंट्रियों के नाम में भारत की स्थिति पहले नंबर पे है। और जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते हैं, सैन्य क्षमता के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सुपर पावर देश तो है ही, और वहीं दोस्तों भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन गया जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 600 अरब डॉलर पहुंच चुका है। और केवल भारत के वाणिज्य मंत्रालय नहीं बल्कि IMF भी इस बात का दावा करता है, दुनिया में चाहे बुरे से बुरे हालात आ जाए, 5 या 6 साल तक भारत को कोई हिला नहीं सकता है। अर्थात इसका सीधा सा मतलब ये है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में जो हालात खराब है मौजूदा विश्व के, यदि इससे भी ज्यादा बेकार सिचुएशन हो जाती है विश्व की, यानी और ज्यादा खराब भी हालात होते हैं, तब भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले 5 से 6 सालों तक। और ऐसे सिचुएशन में भी भारत दुनिया के टॉप 10 विकासशील देशों की लिस्ट में काफी ज्यादा टॉप में ही रहेगा। मौजूदा समय में दोस्तों, पूरे अरब वर्ल्ड में और पूरे यूरोपीय यूनियन में कोई एक सिंगल ऐसा देश नहीं है जो भारत की तरह मजबूत स्थिति में हो या फिर भारत से ज्यादा मजबूत स्थिति में हो। और यही कारण है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी यूं ही नहीं भारत को दुनिया का बॉस कहा। और ऑस्ट्रेलिया की फंडामेंटल एनालिसिस की रिपोर्ट कहती है कि यदि हालात और भी ज्यादा खराब होते हैं तो दुनिया और भी ज्यादा उम्मीद से भारत की तरफ देखेगी, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि दुनिया की जरूरतों की पूर्ति कम लागत में और अधिक उत्पादन बड़ी ही आसानी से कर सकता है। और किसी भी बेकार से बेकार सिचुएशन में पूरी दुनिया की मदद करने के लिए भारत सबसे बड़ा संकट मोचन और किसी भी विकसित देश से ज्यादा कारगर साबित होगा। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, समय आज का हो या कल का, डंका सिर्फ भारत के नाम का ही बजेगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप सभी मित्रगणों के जो भी विचार है, कमेंट्स कर अपने अवेलेबल विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।